ये पहली बार होने जा रहा है कि मैं ईद की नमाज़ घर से बाहर किसी ऐसी जगह पे पढ़ूंगा, मुझे खुद नहीं पता कौन से शहर में। ये कब्रिस्तान में ले आए हो तुम नमाज पढ़ाने के लिए, तुम्हें ईद का आने के लिए कहा था। पुठी जगह भी आ गई, जनाजा तो नहीं पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यकीनन ईद का दिन तो गुजर चुका होगा। तो यहाँ पर तो अभी चांद रात है, तारीख बदल चुकी, रात के कोई 12:30 बजे का वक्त है और अब हम निकल रहे हैं अपने आबाई घर। यहाँ से तकरीबन इस्लामाबाद से 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमें भावलपुर से भी आगे एक तहसील है छोटी सी, वहाँ पर पहुँचना है जहाँ हमारे पेरेंट्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत शिद्दत से बार बार उनके फ़ोन आ रहे हैं कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, तो हम अभी यहाँ से चलने लगे हैं। तो जब तक वो सो के उठेंगे तो इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ईद की नमाज़ वहीं पे पढ़े। तो मेरे साथ मेरा एक पार्टनर होगा सफ़र में मेरे साथ, जो मुझे कंपनी देगा, मेरा भांजा। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं और फिर यहाँ पे वापस आएंगे एक हफ्ते के बाद, बल्कि चंद दिनों के बाद। आ जाओ लड़के। बहुत मुश्किल हो रही है, बॉस बहुत मुश्किल हो रही है, नींद से हालत बुरी। इस टाइम मैं कोई 2 रातों से जाग रहा हूँ, पूरा दिन भी जागता रहा, तो काम बहुत ज़्यादा था, चीज़ें वाइंड अप करनी थी तो उसमें थोड़ा सा लग गया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा कंट्रोल करें नींद को। तो अभी एक भेरा इंटरचेंज है क्यामो तो आम जगह, यहाँ पर रुक गए ताकि कुछ खाया पिया भी जा सके, कुछ ऑर्डर करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ रात के अब 3 बजने वाले हैं और मुझे अभी और तकरीबन 7 घंटे का या शायद 6 घंटे का सफ़र करना है। तो हमारे भाई साहब कुछ ना कुछ लेके आए हैं, क्या लेके आए हो? आर्डीज़ के बर्गर्स हैं और आपकी कॉफी। तो वो बर्गर बच चाहिए, बस बर्गर, बीफ बर्गर लाया हूँ। ले, मैं तो नहीं खाता बीफ बर्गर। अच्छा क्या कॉफ़ी लाया? हाँ कॉफ़ी इसके अंदर। निकाल देना, ये तो निकालना पहले। थैंक यू। बहुत कड़वी है यार, शुगर नहीं दी उसने? दिए दिए मैं देता हूँ। तो शुगर दो ना यार, थोड़ा नींद भगाने के लिए, वरना मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पीता। अब टी बॉय, चाय वाला बच्चा, बेचने वाला नहीं मतलब चाय का शौकीन बच्चा। शुगर आ गई, डालो शुगर ले आ, शुगर ले आ। तूने अपने लिए भी कॉफ़ी ली है? नहीं मैंने लाके लिए अपने लिए। अच्छा बेटा, ये खोलने का एक तरीका होता है। जो मर्जी तरीका होता है, खुल गई है फिलहाल। अच्छा कड़वी अभी भी बहुत है लेकिन ठीक है, गुजारे लायक है। मोटर पे मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कि तुम्हें सीट बेल्ट लगानी चाहिए, तुम जुगाड़ करते हो ना, मैं मना किया है, बिकॉज अभी स्पीड ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयर करनी चाहिए। देखें आवाज़ करना शुरू कर दिया, मेरी सीट बेल्ट नहीं लगी हुई। तू लगाया करना, क्यों नहीं लगाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा ना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलो अब आप अपनी सीट बेल्ट लगाओ वरना ये दिमाग खा जाएगी। अच्छा जी, तो अभी हम फैसलाबाद पहुंच चुके हैं, सुबह के तकरीबन 4:30 बजे और फैसलाबाद हम एंटर हो चुके हैं। ये कैनाल रोड से हम गुज़र रहे हैं, तो अभी भी तकरीबन 4.5-5 घंटे का सफ़र बाकी है। तो हल्की हल्की सी बाहर रोशनी जो है वो होने लग गई है, सुबह शुरू हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साहिवाल क्रॉस करने के बाद शायद किसी जगह पे हमारी नमाज ईद होगी। तो उसके लिए देखते हैं कहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी 3-3.5 घंटे बाकी हैं।
ईद की नमाज जो है वो होने वाली है, लेकिन मुझे अभी घर पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये पहली बार होने जा रहा है कि मैं ईद की नमाज घर से बाहर किसी ऐसी जगह पे पढ़ूंगा, मुझे खुद नहीं पता कौन से शहर में। तो इस वक्त हम साहिवाल क्रॉस कर चुके हैं, तो आरफ वाला के कहीं करीब है, और 6:20 का वक्त है। तो 7:15 या 7:30 के अराउंड कहीं ना कहीं ईद की नमाज होनी है। तो मैं 7 तक ड्राइव करता रहूँगा, जहाँ पर भी 7 आसपास देखूंगा कहाँ पे नमाज पढ़ सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली चेंज शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ मैंने नए सूट जो है वो स्टिच कराए हैं, तो वो ज़रूरी लवाजमात जो है वो मिसिंग है वो पहनने के लिए, तो इसलिए मजबूरी है कि फिर इसी में पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल ये भी नई शर्ट है, गुजारा हो जाएगा, मैंने बस रात ही पहनी है, तो होपफुली कोई माइंड नहीं करेगा। यार ईद की नमाज अभी हुई तो नहीं है? इधर तो 7 टाइम है, 7 जमात खड़ी होनी है। 7 है ना, फिर 15 है। चलो ईदगाह किधर है, आवाज़ें इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, हर तरफ से आ रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो किधर रही है नमाज। ये कब्रिस्तान में ले आए हो तुम नमाज पढ़ाने के लिए, तुम्हें ईदगाह आने के लिए कहा था। पुठी जगह भी आ गई, जनाजा तो फंटा। किधर आ गए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अभी, मेन हो गए वापसी का मेन रास्ता ही भूल जाए हम। भाईजान ईद की नमाज किधर होनी है? ये सामने इस साइड से ये रास्ता जा रहा है। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इधर अभी 10 बाकी हैं, टाइम पे पहुंच गए। इतना अच्छा दिन है और ना चेंज कर सका ना शावल ले सका, और ऐसे ईद की नमाज, तो थोड़ा बुरा लग रहा है, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अल्लाह का शुक्र है कि जगह मिल गई और वक्त पे पहुंच गया। तो आओ जल्दी से वजू कर लेते हैं। बाबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, तहज्जुद पढ़ रहा है, सकाम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फरमाया कि शब बेदार से कह दो इसकी इबादत की कोई जरूरत नहीं, असल जिंदगी आखिरत वाली जिंदगी है और ना खत्म होने वाली। असल तरीका भी दस चौथी में खड़े हैं ना, वो आगे आ गए अगली सब को मुकम्मल फरमाएंगे। हाँ भाई शेरा, ईद की नमाज पढ़ ली है आपने? आप जल्दी से घर जाएंगे, मॉम डैड को मिलते हैं, पहला हग मॉम डैड को करूँगा जाके, और उनसे ईदी भी लूँगा।